नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि 18 और 19 को सड़क पर उतरकर वो अब लड़ाई लड़ेंगे महंगाई के खिलाफ। इस बीच उन्होंने बड़ा हमला भी बोल दिया है सरकार पर और कहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। ये बात वो कहते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, सरकार के मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटी मछलियों को शिकार बनाती है, जबकि सरकार में उनके मंत्री ही खुद सवाल उठाते हैं कि विभागीय सचिव काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ ये भी कहा है, जिस तरह से उन्होंने लेटर लिखा है विजय सिन्हा को, जिसमें कहा गया है, उन्होंने कहा गया है कि बताया है कि किस तरह से बिहार विधानसभा में महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, विधायकों को बूट से पीटा गया, बद्दी बद्दी गालियां दी गई, विधायकों में दहशत का माहौल है। तो इन दोनों मसलों पर अब जो है तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि मानसून सत्र के पहले विधायक बैठकर मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे, यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए, दरअसल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उन्होंने, कहा कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप। दल है उन सब नेताओं को हम लोग बुला करके हम लोग बातचीत भी करेंगे कि हमारा जो मानसून सत्र आने वाला है जो कि केवल 4 दिनों का है उसमें हम लोग क्या करें, और इतनी बड़ी घटना होगी एक काले दिन के रूप में लोग याद करते हैं। जनता के सवाल उठाने पर जो है विधायकों को पीटा गया सदन में, नौकरी के सवाल पर सड़कों पर पुलिस ने पत्थर डंडे बरसाए, 307 का मुकदमा किया, तो ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि कोई जो है खड़ा उठ करके जो है जायज सवाल सरकार से पूछे या मांग करे या उनके वादे को याद दिलाए, ये सरकार किस नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री जो है शेष जीवन अपना बीत जाए इसी में वो लगे हुए हैं कि अच्छे से कट जाए, बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है उनको, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, ये जग जाहिर हो चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस बात को गलत ठहराना आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। लगातार 60-70 घोटाले हो गए, किसी पे जांच कार्रवाई नहीं की जाती, केवल छोटे मछलियों को जो है पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, जब उन्हीं के मंत्री सवाल उठाते हैं, उन्हीं के पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव पर सवाल उठाते हैं, तब कोई जांच नहीं होगी, तब कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी का विधायक अपने मंत्री को कहता है कि 80% जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, बिना पैसे हुए लिए हुए कोई तबादला नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करता। तो सुन लिया आपने कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार का भी पितामह बताते हुए उन्होंने कहा है कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, जबकि जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज आपको बताएं जिस तरह से बालू को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उस बीच कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और आज 2 बड़े अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरी है, जैसा कि खबरें आई कि बालू कनेक्शन से ही जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। जिस तरह से तबादला हो गया अचानक से आनन फानन में, 2 जिलों के SP को बदल दिया गया, पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया, तो तमाम जो है अब बवाल मचना तय है। उन्होंने कह दिया है कि भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिख रहा है और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।